सही कह रही हूँ? हाँ, तो मतलब चंद्रमा की किरणों से हम हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज पूर्णिमा है, वो भी शरद पूर्णिमा है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज पूर्णिमा है ना, तो मैं आज कन्याएं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नवमी वाले दिन कन्याएं नहीं की थी। सो आज पूर्णिमा है, तो इसलिए आज मैं कन्याएं कर रही हूँ। बाकी मतलब सारी तैयारियां मैंने कर ली है, सामान भी मंगा लिया है कन्याओं को पूजने के लिए, जलेबी के लिए मंगा लिए हैं, बस कन्याओं के आने की देरी है। और मैं आप लोगों से बात कर ही रही थी, बोल ही रही थी कन्या पूजन के बारे में, तब तक ये चार कन्याएं भी आ गई हैं। और अभी एक कन्या और रह गई है, वो बहुत छोटी है, गोद की है, तो वो अपनी दादी के साथ आएगी थोड़ी देर में। तब तक मैं इन कन्याओं को पूज दे रही हूँ, साथ में तांशु को भी बिठा दिया है, क्योंकि कन्या के साथ में ना लांगुर भी बिठाए जाते हैं। और अभी मैंने कन्याओं के पैर धुल करके कपड़े से पोंछ भी दिए हैं, और इस पानी को ना मैं बाद में गमले में डाल दूंगी। और ये साथ में मैंने तांशु के भी पैर धुल करके पोंछ दिए हैं, और इनके पैर छूंगी मैं, क्योंकि ये अभी लांगुर के रूप में बैठे हुए हैं, भैरव बाबा के रूप में हैं, तो इसलिए साथ में ये भी पूजनीय हैं। और मैंने सभी के टीका लगा दिया है, और फिर सभी को प्लेट में एक एक जो है केला और जलेबी रख दी हैं। और मैंने इन सबसे यहीं खाने के लिए बोला था, लेकिन किसी ने खाई नहीं, सब जो है अपने घर पर ही लेकर के गए थे। और तांशु अभी बीच में उठ गए हैं, मैं इनसे मना कर रही थी कि तांशु ऐसे बीच में उठते नहीं हैं, फिर भी उठ के चल दिए हैं, जब दोबारा बुलाया तब बैठे हैं। और फिर मैंने सभी बच्चों को ना एक एक पेंसिल और 10-10 रुपये दिए थे दक्षिणा में। और आज मैं पूरी 9 कन्याएं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कुछ कन्याएं जो है ट्यूशन्स पढ़ने गई हुई हैं, उनको आने में टाइम है। और कुछ कन्याएं जो अपना त्यौहार आ रहा है, तो कहीं वो अपनी नानी के घर गई हैं, कोई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ है, तो ये 4-5 कन्याएं ही हो पाई हैं आज। और मैं इन कन्याओं को पूज ही रही थी कि तब तक ये सबसे छोटी हमारी प्यारी सी कन्या आ गई है, और बहुत रो रही थी ये, तो फिर इसके पैर भी ना मैंने हल्के से पानी से ही ऐसे ही धुल दिए हैं। और ये मतलब हम सभी से चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, हर तरीके से बहलाने की, पर ये चुप ही नहीं हो रही थी, जबकि इसकी दादी भी पास में ही खड़ी थी। किट्टू पड़ेगी भी, किट्टू का है सही सही आने से जाते हैं। टीका लगा दिया था? हां टीका लगा दिया। मम्मी हां बेटा और मैं कन्याएं पूछ करके उठ ही रही थी कि तब तक ये एक कन्या लांगुर अपने आप आ गए। और इस कन्या की पहले मना हो गई थी, क्योंकि ये ट्यूशन्स पढ़ने गई हुई थी, तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया था कि वो तो ट्यूशन पढ़ने गई है, बहुत देर में आएगी, फिर ये भी आ गई, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी पूछ दे रहे हैं। और जब कन्या लांगुर अपने आप आ जाए ना, तो इससे अच्छी बात क्या होती है कि देवी माँ खुद चल करके आपके घर आ गई। और कन्या पूजन के बाद फिर मैं यहाँ पर ये नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं चीला बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने चटनी बना ली है हरे धनिए की, टमाटर लहसुन वगैरह डाल करके, और फिर मैं ये बेसन घोल ले रही हूँ। और मैं आज नमकीन और मीठे चीले दोनों बना रही हूँ, तो नमकीन के लिए तो मैंने बेसन घोल लिया है, और मीठे चीले के लिए मम्मी आटा घोल रही हैं नीचे बैठ करके, उसमें चीनी वगैरह डाल करके। और ये बेसन के घोल में मैंने नमक और लाल मिर्च मिला दी है।
और मैंने नमकीन चीले के लिए ना प्याज भी बारीक काट करके रखी हुई है चॉपर से। लेकिन ये अभी मैं सबसे पहले मीठा चीला बना रही हूँ, तो इस पे तो कुछ ऐड नहीं होना है, खाली ऐसे ही ये सिकेगा। और आज मैंने घोल थोड़ा सा गाढ़ा रखा है ना, तो इसलिए आज चीला बनाने में दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से इजिली बन रहे हैं। और मीठा चीला तो बन गया, मैं नमकीन चीला बना दे रही हूँ। तो मैंने हल्का सा ऑयल जो है रिफाइंड हल्का सा स्प्रेड किया है, इसके बाद मैंने ये एक चम्मच घोल इस पे डाला है और उसको गोल गोल घुमाते हुए फैला दिया है अच्छे से। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये बारीक कटी हुई प्याज बुरक दे रही हूँ और हल्का सा ये लकड़ी की जो स्टिक है उससे ना मैं हल्का सा प्रेस कर दे रही हूँ, जिससे कि ये प्याज ना इस चीले में पेस्ट हो जाए अच्छे से। फिर ऊपर से हल्का सा ऑयल और स्प्रेड किया है, और जब एक तरफ से सिक गया तो मैंने इसको पलट दिया है दूसरी तरफ से सिकने के लिए। और आपको एक बात और बताऊँ, मीठे चीले में पहली बार बना रही हूँ, बेसन के नमकीन चीले तो मैंने कई बार बनाए हैं, लेकिन ये आटे के मीठे चीले में पहली बार बना रही हूँ। वो भी मम्मी ने बोला है कि नमकीन तो बना ही दिए तो आटे के मीठे चीले भी बना लो, तो मैंने कहा चलो आज मीठे चीले भी खा करके देख लेते हैं कैसे लगते हैं, और बहुत टेस्टी थे। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ नाश्ता करने। बेसन का नमकीन चीला, साथ में आटे का मीठा चीला है और चटनी है, तो आ जाइए नाश्ता करने। और मैंने देखिए सूट चेंज कर लिया है, जब मैंने पूजा की थी तब मैं दूसरा सूट पहनी हुई थी और अब मैंने दूसरा सूट पहन लिया है, क्योंकि एक्चुअली मैं भूल गई थी कि मुझे कन्याएं पूजनी है, तो मैंने नहा करके ब्लैक सूट पहन लिया था। फिर जब मुझे याद आया अरे आज पूर्णिमा है, मैंने नौवीं वाले दिन कन्याएं नहीं पूजी थी, तो मुझे अभी कन्याएं पूजनी है, फिर मैंने फटाफट से सूट चेंज करके दूसरा सूट पहना है, क्योंकि पूजा पाठ में ब्लैक रंग को अवॉइड किया जाता है ना, तो इसलिए फिर मैंने दूसरा सूट पहना और अभी फिर पूजा कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने यही सूट पहन लिया दोबारा से। और अभी आ जाइए नाश्ता करने जा रही हूँ मैं। और ये देखिए छोटे भाई को मेरे कैसे यहाँ पड़ रहा था, मार्केट चला गया अभी, और दीपो को मुझको कैसे और अभी वही शाम के 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और आज मौसम अच्छा हो रहा है ना, सुबह से बारिश हो रही, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो मम्मी ने ये हॉल वाला गेट खोल लिया है और यहीं बैठी हुई हैं, और पड़ोस वाली आंटी भी आ गई हैं। ये आंटी सामने ही रहती हैं, हमारे घर के सामने ही घर है इनका। और हमारे घर के सामने ना 2 घर बने हुए हैं, एक घर में तो कुलश्रेष्ठ आंटी रहती हैं और एक घर में ये आंटी रहती हैं, तो ये अपना कुछ सिल रही हैं और बातें भी करते जा रहे हैं साथ में दोनों। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, और तांशु के साथ में जो लड़का खेल रहा है ना वो उन्हीं आंटी जी का ही बेटा है। और पहले मम्मी की फीकी चाय निकाल दे रही हूँ, उसके बाद फिर चीनी ऐड करूँगी, तब जो है सबको दूंगी चाय। और उन आंटी जी ने तो चाय के लिए मना कर दिया है, क्योंकि आज उनका शरद पूर्णिमा का व्रत है, तो वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, सीधे शाम को जब व्रत खोलेंगी तभी कुछ खाएंगी पिएंगी, चाय भी नहीं पीती, उन्होंने मना कर दिया है। और अभी हमारी मीठी चाय भी रेडी हो गई है, तो चलिए आ जाइए चाय पी लीजिए। और अभी सौरभ की छुट्टियां ख़त्म हैं, तो वो अपना वापस नोएडा के लिए निकल रहा है, अब अगले फ्राइडे की शाम तक ही आएगा, सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता है, तो फ्राइडे को आ जाएगा। और शोकेस में हमारे दादी बाबा की तस्वीर रखी हुई है, तो सौरभ पैर छू करके उन्हीं का आशीर्वाद ले रहा था, और अभी वो निकल गया है। और अभी रात का टाइम है, खाना पीना सब हो गया है, किचन विचन सब साफ कर दी थी, खाना वगैरह खा भी करके बर्तन वगैरह धुल करके, और अभी यहाँ पर खीर बनने लगती है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, तो आज के दिन यहाँ पर हमारे यहाँ मेरे मायके में खीर बनती है। तो खीर तो मम्मी ने ही बनने रख दी थी, मैं तो बस ये ड्राई फ्रूट्स तैयार कर रही थी, मखाने काजू और ये इलायची पीस दे रही हूँ। और अभी जब खीर बनने को आ गई है, तो मम्मी ने इसमें चीनी ऐड कर दी है, और साथ ही मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे रही हैं मम्मी, जो मैंने काट के तैयार किए थे, बादाम काजू और हरी इलायची जो मैंने पीसी है वो भी इसमें ऐड कर दी है। खीर बन करके तैयार है, और फ्रेंड्स अभी हम लोग खीर लेकर के छत पर आए हुए हैं, तो ये खीर यहाँ पर रख दी है,
चलनी से ढक करके, क्योंकि अब ये आज रात पूरी रात ना ये खीर ऐसे ही रखी रहेगी। और आज ये बोला जाता है खीर ऐसे पूरी रात भर इसलिए रखी गई है क्योंकि आज ये बोला जाता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन ऐसे रात को खीर बना करके खुले आसमान के नीचे पूरी रात भर के लिए रख दो ना, तो ये बोला जाता है कि चंद्रमा की किरणों से ना अमृत की बूंद गिरती है। क्यों मम्मी सही कह रही हो? हाँ, तो मतलब चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंद गिरती है। और फिर इस खीर को ना सुबह उठ करके बाकी खीर में मिला दो, फिर इस प्रसाद को जो है इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं सब लोग, और उससे जो है मतलब सौभाग्य की वृद्धि होती है। अमर तो खैर कोई नहीं होता, कि आप ये सोचो अमृत की बूंद गिरती है तो अमर हो जाएंगे। अमर तो सिर्फ भगवान है, उनके अलावा तो खैर कोई भी नहीं है। बट ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा की किरणों से ना जो अमृत की बूंद गिरती है, सो अगर उस खीर को प्रसाद के रूप में खाओ तो सौभाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य अच्छा बनता है। और चंद्रमा की किरणों से ना सिर्फ एक ही बूंद गिरती है। अब वो एक अमृत की बूंद किसके नसीब में है वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है। और वैसे भी आज तो आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, देखो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। क्लाउड्स हाँ, तांशु बोल रहे हैं क्लाउड्स। अब अमृत की बूंद कहाँ से गिरेगी, चंद्रमा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। कौन है? तो अभी खीर ये रखी हुई है पूरी रात पर ऐसे ही रखी रहेगी ये, जब तक अभी हम थोड़ी देर टहल भी ले रहे हैं। आज मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो छत पे थोड़ा सा टहल ले रहे हैं। और हमने इसको चलनी से इसलिए ढक कर के रख दिया है ताकि इसमें कुछ गिरे ना, अगर खुला छोड़ देंगे तो अमृत की बूंद गिरे या ना गिरे कीड़े मकोड़े जरूर गिर जाएंगे इसमें, तो इसलिए इसको चलनी से ढक कर के रख दिया है। और टहलते टहलते यहाँ पर मेरी और तांशु की मस्ती चल रही है। एक्चुअली पीछे कहीं म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, गाने चल रहे थे, तो ऐसे ही हम लोग मस्ती करने में लगे हुए थे। और हमारी मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी, आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।